आज सबसे पहले मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को आज के इस पावन अवसर पर मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ कि आज का दिन हमारे सब के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं चाहता हूँ कि आज सब लोग बड़े हर्ष और उल्लास से जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज भगवान बुद्ध का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। श्रद्धेय साथियों, मैं आप सभी जितने साथी यहाँ हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और मैं दो लफ्ज कह करके आपसे दो नारे लगाऊंगा। आशा करता हूं कि आप साथ देंगे। जय भीम, जय भारत। साथियों, आज आपसे एक गुजारिश और करूंगा कि आज यहां से ओथ लेके जाओ, कोई भी श्रद्धेय साथी बाबा साहब का नाम अंबेडकर लेकर के नहीं बोलेगा। इस दुनिया में एक ही साहब हुआ, वो है बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आधा नाम कोई नहीं लेगा, एक साहब है पूरे वर्ल्ड में और वो है बाबा साहब। तो मैं सभी जितने भी धम बंधु हैं, जितने भी यहाँ युवा शक्ति अपने मातृशक्ति बैठी है, उन सब से गुजारिश करूंगा कि कोई भी बाबा साहब का नाम आज के बाद आधा धुर ना ले। इससे पहले मैं आपको 2 अप्रैल 2018 में जो पूरे भारतवर्ष में आपने एक बहुत एकजुट होकर ताकत दिखाई, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे संगठनों को बधाई देता हूं। श्रद्धेय साथियों, आपने जो पूरे भारतवर्ष में अपनी ताकत और बाबा साहब के दिए हुए सिस्टम को आपने कायम रखा और इन लोगों को बता दिया, इन मनुवादियों को बता दिया, इन कट्टरपंथियों को बता दिया, इनकी मानसिकता दूषित वालों को बता दिया कि हम आज वो 200 साल पुराने दलित नहीं हैं, हम अंबेडकर वादी हैं और हम सब कुछ जानते हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम टूट सकते हैं, हम कट सकते हैं, लेकिन अब बहुत हुआ, अब हम आपसे झुकेंगे नहीं। साथियों, इस देश में जो आज ये सरकारें अत्याचार की सीमा को लांघ दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, अब समय आ गया कि आप सब लोग सब चीज भूल करके, चाहे वो कबीरपंथी है, चाहे वो रविदासी है, चाहे वो अम्बेडकरवादी है, चाहे वो महात्मा फुले को मानने वाले हैं और चाहे साहू जी महाराज को मानने वाले हैं, एक छत के नीचे आ जाओ। कॉमन कॉज की लड़ाई के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा, और अगर एक नहीं हुए अभी भी तो बाबा साहब का नाम लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। साथियों, 2 तारीख को मैं भी आना चाहता था, लेकिन मैंने कमांड जंतर मंतर पर लाखों लोगों की भीड़ को संभाले पर खड़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई यह जान करके जब पूरा का पूरा समाज, नॉर्थ ईस्ट का समाज, यहां तक उन्होंने इवन ट्रैफिक छोड़िए लोगों की सांस भी बंद कर दी, मुझे आज एहसास होता हुआ कह रहा है आपके बीच में। और साथियों, अगर आप इसी तरह से अपना संगठन अपना सिस्टम जताते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपना लोहा मनवा कर रहेंगे। साथियों, बाबा साहब तो अकेले थे, और कब, जब वो व्यवस्था थी ऐसी व्यवस्था कि जहां व्यक्ति बात नहीं कर सकता था, उन्होंने एक क्षमता सैनिक दल बनाया, वॉलंटियर फोर्स। उस वॉलंटियर फोर्स का मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं। उस वॉलंटियर फोर्स के चलते उन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी,
सामाजिक चेतना की, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी साथियों, वो आप जैसे बहादुर लोग उस समय भी थे और आज तो लाखों करोड़ों की तादाद में आप लोग हैं, तो झुकने का नाम नहीं लेना साथियों। और एक ये दलित वर्ड भी हटाना है, ये दलित वर्ड, ये दलित वर्ड जो है, ये दलित वर्ड इटसेल्फ, जैसे आप लोगों ने हरिजन वर्ड हटाया था, इस दलित वर्ड को भी हटाना है। हम या तो मूल निवासी हैं और नहीं तो अंबेडकरवादी है, दैट इट, दूसरी बात नहीं। जो भी व्यक्ति दूसरी बात करता है तो समझो वो कहीं ना कहीं उसमें खामी है। सत्य साथियों, आज के हालात जो इस पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से चल रहे हैं, आप सब लोग रोजमर्रा टीवी देखते हैं, हमारे लोगों पर, हमारे बच्चों पर आए दिन बलात्कार, उनके घर जलाए जा रहे हैं, बच्चियों पे बलात्कार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन, सारा का सारा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो ये कहते नहीं थकते, अगर आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो केवल एंड केवल बाबा साहब की वजह से हूँ। ये झूठ, ये टोटल आप लोगों को गुमराह करने की एक साजिश है। अरे करनी और कर्तनी में बहुत अंतर है, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। आज पिछली बार 2014 में सब लोग भ्रमित हो गए, पूरे इंडिया में भ्रमित हो गए, जुमलेबाजी में आ गए, झूठ तूफान में आ गए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों को सपोर्ट करके सत्ता सीन कर दिया। और आज हालत वो है, ना यहाँ माइनॉरिटी ठीक है, ना CST ठीक है और ना ही दूसरे, और महिलाओं का तो कहना ही कुछ नहीं। बाबा साहब ने जिस जिस बिंदु पर काम किया, बाबा साहब ने जिस जिस उस सब्जेक्ट पर काम किया, वो सारा का सारा सब्जेक्ट इनके निशाने पर है। ये उसको मठिया बेल कर देना चाहते हैं। साथियों, अगर एकजुट नहीं हुए अभी भी तो सब सर्वनाश हो जाएगा। जब वाजपेयी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सबसे पहले संविधान समीक्षा की बात की और तब भी आप लोगों ने अपना लोहा इनसे मनाया। अरे अगर समीक्षा करनी है, यहाँ बढ़ते अत्याचार पर कीजिए, यहाँ की भूखमरी पर कीजिए, यहाँ की बेरोजगारी पर कीजिए, यहाँ आए दिन कत्ल हो रहे हैं उस पर कीजिए। आज आप जजों के बहाने से, जजों के बहाने से आज इस देश के जो एक 1/4 पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, इसको आप नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। SC/ST एक्ट 11 सितंबर 1989 में आया, 1979 में। ये कब आया कि जब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 11 व्यक्ति कत्ल होते देखे, वो गैर आते ही उन्होंने ये कानून बनवा, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। साथियों, कानून किसी ने भी बना हो लेकिन वो हमारे हक में था और हम उसको हटने नहीं देंगे, हम अपने चाहे प्राण दे दें। साथियों, समझ नहीं आता, जब उस कानून के रहते हुए बैमुल्ला कांड हो जाता है, उल्ला कांड हो जाता है, फरीदाबाद कांड हो जाता है, सहारनपुर कांड हो जाता है, और जब एक्ट ही नहीं होगा, जब कोई डर ही नहीं होगा, आप समझ सकते हैं तब क्या होगा। उस समय की आप कल्पना कीजिए कि जब कानून का डर नहीं होगा तब लोग क्या करेंगे। हम मानवता को आज संसार होते देखा और ये जो झूठे लोग, मनुवादी लोग, ये उस चीज को बता रहे हैं। साथियों, उसमें एक्ट में बदल दिया गया सारा, कहता है पहले SP बताएगा, इंक्वायरी होगी और तब जाकर FIR होगी, जब मारने वाला भी हुई, इंक्वायरी करने वाला भी हुई तो फिर FIR कहेगी, और जब FIR ही नहीं होगी तो फिर कानून क्या काम करेगा। सुनते साथियों, ये तो एक छोटी सी बात है, ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जो हमें मालूम नहीं हो रहा। इन्होंने वादा किया, जब ये गवर्नमेंट में आए, इन्होंने वादा किया कि हम सब लोग इस देश में 2 करोड़, एक साल में 2 करोड़ नौकरी लाएंगे, 2 करोड़। साथियों, आपको जान के ताजुब होगा कि जो बैकलॉग था 15 लाख वैकेंसी, उसको एक कलम में साफ कर दिया। उनको पता है कि ये लोग नौकरी में आने के बाद थोड़े सबज हुए, वो नौकरियां खत्म कर देना चाहते हैं। वो नौकरी खत्म करने का और प्राइवेटाइजेशन भी दूसरा बहाना है।
तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। आप जहां जहां एक फोर्थ क्लास का आदमी लगता था वहां ठेकेदारी पड़ता है। इस तरह से बहुत सी चीजें जो आज हम समझ नहीं पा रहे, धीरे धीरे संविधान पर हमला है। संविधान में दिए हुए सारे प्रोविजन को बाय एंड लार्ज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चेंज किया जा रहा है। आप ध्यान से देखें कि ये हमारी भी गलती कहीं ना कहीं, जब तक आप इनको उखाड़ नहीं फेंकोगे, अभी 11 महीने बाकी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको वोट नहीं देना। अगर आप पूरे देश में से इनको भगाना चाहते हो, तो आप जो बाबा साहब ने हमें एक वोट एक आदमी का जो सिद्धांत दिया, उसको ऐसे नहीं दे दिया था। एक राजा की वोट की कीमत भी हुई थी, एक रंग के एक छोटे आदमी की कीमत भी हुई थी। इसको आपको ध्यान से देखना होगा। साथियों, बहुत ज़्यादा समय लेते हुए आज मैं आपको केवल ये एक गुजारिश करने आया हूँ कि कहीं भी संविधान पर या समाज पर कोई भी कुठाराघात हुआ, तो ये आपका भाई सबसे पहले आपके सामने आगे भूमि में चल करके उसको सिस्टम को रोकने का काम करेगा। मैं आपको वादा करता हूँ, पार्टी नेतागिरी सब अलग, 40 सालों से हमने समाज का ये काम किया। पूरे देश में जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज हुई, अपने बच्चों के बलात्कार हुए, अपने वो काटे गए लोग मृत्यु हुई या कहीं काट दिए गए मर्डर हुए, वहाँ सबसे पहले जा करके हमारी लोगों ने बात की। मैं उन नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो आज समाज के लिए लड़ करके जेलों में है, और कुछ लोग उनको भी बधाई देता हूँ। अभी बात आई थी भाई रहमान भाई क्या बात कर रहे थे, आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी में मैक्सिमम एडवोकेट मुस्लिम एडवोकेट आपके बच्चों को छुटवाने का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को छुटवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, वो मानवता है उनके अंदर। तो बाबा साहब आपके अगर सही सिपाही है हम, तो आज यहां से ओथ लेके जाए कि हम आज के बाद समाज के हित में कोई भी काम होगा हम उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, और एकजुट होकर के उसका मुकाबला करेंगे। पार्टी छोड़िए, कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। बाबा साहब ने कोई पार्टी नहीं बनाई थी जब तक सामाजिक लड़ाई लड़ी। जब ऐसी होगा, पार्टियों से ऊपर उठ के, संगठनों से ऊपर उठ के, हमें सबको एक साथ होकर लड़ना होगा। हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत, अपने ब्यूरोक्रेसी की इज्जत, अपने लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी होगी। साथियों, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि जब ये लोग उस सिपाही ले जाना चाहते हैं जहाँ से बाबा साहब ने लड़ाई शुरू करके, भगवान तथागत बुद्ध ने लड़ाई शुरू करके, महात्मा कबीर, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, इन लोगों ने और माननीय काशीराम साहब ने जो लड़ाई लड़ करके यहाँ तक हमें ये दिया, ये सब खराब हो जाएगा। साथियों, इसको हमें ध्यान रखना है, और ये तभी होगा जब हम एकजुट होकर के 2 अप्रैल की तरह हम एकजुट होकर के सिस्टम को बनाएंगे और एक आवाज लगाएंगे कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। कोई भी संघर्ष होगा हम उस पर संघर्ष करेंगे। बाबा साहब ने कहा था, आज एजुकेशन तो हमने ले ली, संगठित होने की बाकी है। जब संगठित होंगे संघर्ष भी होगा। उनके 3 नियम याद रखना साथियों, बताया तो उन्होंने बहुत कुछ, और मैं एक बात और कहता हूं अंत में। बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरे बच्चों, ये कारवा जो आप देख रहे हो यहां तक में लाओ खींच के, बहुत रुकावटें, बहुत मुसीबतों के साथ, बहुत विघ्नों के साथ और बड़ी मुसीबतों के साथ मैं इसको यहां तक लाया हूं। अगर आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे पीछे मत जाने देना। यही मुझे एक रिवार्ड होगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं मानूंगा कि मेरा समाज, मेरा मिशन खतरे में है। साथियों, वह हो गया। मैं ये कहूंगा कि आप सब जितने नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं जो समाज का काम कर रहे हैं, वो किसी भी संगठन के हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, को समाज का काम कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो लाइव लोड बुद्धा क्लब
म्यूजिकल प्रोग्राम ये हर साल करते हैं। भाई मिलिंदर गौतम जी, इनकी टीम, इनका सारा ये गौतम जी, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सारे समाज को इकट्ठा करके कम से कम एक संदेश देना काम करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। मैं तनसुख जी को और मोतीलाल जी को बुलाना चाहूंगा। संकार सैनिक दल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।